आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने Realme फ़ोन से मैसेज सेंड कर रहे हैं और मैसेज नहीं जा रहा है, यहाँ पे सेंड करने पर आता है ये रीट्राई, तो ये रीट्राई प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो इसके लिए मैसेजेस ऐप से बाहर आइए। अब उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, तो ऐप्स पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर मैनेज ऐप्स आएगा, तो इन तीनों में से आपके फ़ोन में किसी एक नाम से आएगा। हमारे फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट आ रहा है, तो ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर आपको मिलेगा ये मैसेजेस या फिर आपके मोबाइल में मैसेजिंग नाम से आएगा। हमारे फ़ोन में है ये मैसेजेस, तो मैसेजेस पर क्लिक करिए। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा ये फोर्स स्टॉप, इस पर क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप करिए, उसके बाद आएगा नीचे इसके स्टोरेज यूसेज, तो स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए। अब आएगा ये क्लियर कैशे, तो क्लियर कैशे करिए। उसके बाद ऊपर आएगा क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा पर क्लिक करिए। डिलीट या फिर ओके आएगा, इस पर क्लिक करिए। और ये करने से आपके मोबाइल का कोई डेटा या फिर कोई मैसेज डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद बैक आ जाइए। अब अपने फ़ोन में एक बार आप फ्लाइट मोड ऑन करिए, उसके बाद फ्लाइट मोड बंद करिए। अब यहाँ पे अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और अब अपने फ़ोन में मैसेज ऐप ओपन करिए और यहाँ पे अब चेक करिए, आपके Realme फ़ोन में मैसेज जा रहा है, यहाँ पे रीट्राई प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से रीट्राई मैसेज प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।